We were discussing about uniform delivered pricing strategy. ठीक है, uniform delivered pricing strategy is totally different of pre onboard pricing strategy, जिसमें companies क्या करती हैं कि same price के साथ साथ freight charges भी plus कर देती हैं to all customers regardless of their location. For example, अगर एक same product है but उसमें freight charges तो company plus कर रही है, इट विल बी रिगार्डलेस ऑफ कस्टमर लोकेशन, ईदर कस्टमर डिस्टेंट लोकेशन पे है या नियरर लोकेशन पे है, सब कस्टमर्स को वो इक्वल फ्रेट चार्जेस अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अलीबाबा की वेबसाइट से कोई एक प्रोडक्ट परचेज करती हूँ, ठीक है, और मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मेरे लिए भी सिमिलर फ्रेट चार्जेस होंगे एज कम्पेयर टू द कस्टमर जो डिस्टेंट लोकेशन पे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हैं या अमेरिका में हैं, वो भी सेम चार्जेस वहां पे करेंगे. ठीक है, क्लियर? देन वी हैव जोन प्राइसिंग स्ट्रेटजी. अच्छा, जोन प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज अ काइंड ऑफ जियोग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी जिसमें कंपनीज डिफरेंट जोन सेट कर देती हैं. ठीक है, जैसे नॉर्थ जोन है, वेस्ट जोन है, वेस्ट जोन है. ठीक है, एंड ऑल कस्टमर्स विद इन अ जोन पे द सेम टोटल प्राइस. द मोर डिस्टेंट द जोन, द हायर विल बी द प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ जोन के जो कस्टमर्स हैं वो एक स्पेसिफिक टोटल प्राइस पे करेंगे और वेस्ट जोन के जो कस्टमर्स हैं वो एक स्पेसिफिक टोटल प्राइस पे करेंगे. और जितना जोन आपका डिस्टेंट होगा उतने फ्रेट चार्जेस आपके ज्यादा होंगे. Another geographical pricing strategy is basing point pricing strategy. So basing point pricing strategy we can say is the combination of FOB pricing strategy and uniform delivered pricing strategy. अच्छा, basing point pricing strategy में companies क्या करती है, एक basic point ये एक city को as a basing point set कर देती है and they charges all customers the freight cost from that city to the customer. For example, अगर हम एक लोकल एग्जांपल लेते, जैसे अगर हमने लाहौर को एक बेसिंग पॉइंट सेट कर दी, तो लाहौर से जो डिफरेंट सिटीज तक का डिस्टेंस है हर कस्टमर्स उसके बेसिस पे फ्रेट चार्जेस पे करेगा रिगार्डलेस कि आपकी प्रोडक्ट शिफ्ट कहाँ होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्ट कराची में भी शिफ्ट हुई होंगी तो हम फ्रेट चार्जेस कहाँ से कंसिडर करेंगे, बेसिंग पॉइंट से विच इज लाहौर. So, लाहौर से कराची का जितना डिस्टेंस है आप उसके बेसिस पे फ्रेट चार्जेस पे करेंगे. ठीक है, लाहौर से फैसलाबाद से जितना डिस्टेंस है आप उसके बेसिस पे आप फ्रेट चार्जेस पे करेंगे. देन वी हैव फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. फ्रेट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में कंपनीज क्या करती हैं या सेलर्स क्या करते हैं, कुछ फ्रेट चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, ताकि वो कस्टमर्स को रिवॉर्ड ऑफर कर सके, इंसेंटिव ऑफर कर सके और अपने बिजनेसेस को इनकरेज कर सके. लाइक इट्स अ काइंड ऑफ प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी जिसमें कंपनीज अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर लेती हैं. ठीक है, सो विद इन ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस की, FOB, ओरिजिन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, जोन प्राइसिंग स्ट्रेटजी एंड बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी. Another pricing strategy is dynamic pricing strategy. So, dynamic pricing strategy को हम sometimes internet pricing strategy भी कहते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सेशन ज्वाइन नहीं किया. Why? Kindly text करें सब स्टूडेंट्स को, because last में मैं दोबारा से अटेंडेंस लूंगी और जो लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स नहीं होंगे उनके अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी. So, dynamic as the name suggests, dynamic means जो जिसमें variation होती है. ठीक है, so dynamic pricing strategies में companies क्या करती हैं, अपनी prices को continuously adjust करती हैं, vary करती हैं on the basis of customers, individual customers and situation. For example, ज्यादातर जितने भी online आप purchases करते हैं या online जिन brands की online existence है वो डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बट इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू ऑनलाइन परचेजिंग और ऑनलाइन सेलिंग. जैसे आपने करीम की एप्स अपने यूज की हो, ठीक है, करीम की या उबर की या एयरलिफ्ट की, सबने एप्लीकेशन यूज की है,
ठीक है, तो आपने एक्सपीरियंस क्या होगा कि वो अपनी प्राइसेस को कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो रेट्स आपको मॉर्निंग में शो हो रहे होते हैं वो रेट्स आपको इवनिंग में शो नहीं हो रहे होते। इसी तरह वीकेंड्स पे आपको डिफरेंट रेट शो हो रहे होते हैं, रश आवर्स में आपको डिफरेंट रेट्स शो हो रहे होते हैं, वीक डेज में आपको डिफरेंट रेट्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है, सो कंपनीज किसके बेसिस पे एडजस्ट कर रही होती है, सिचुएशन की बेसिस पे एडजस्ट होकर रही होती है, और इंडिविजुअल कस्टमर की बेसिस पे अपनी प्राइसेस को कंटिन्यूअसली एडजस्ट कर रही होती है। ठीक है, और अगर हम इसको ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में देखें, जितनी जैसे मोबाइल शॉपिंग एप्लीकेशन है, जैसे आपके पास ईबे है, दराज है, अलीबाबा है, सो उन मोबाइल एप्लीकेशंस के आप बार कोड स्कैन करके या क्यूआर कोड आप स्टोर्स में, उनके फिजिकल स्टोर्स हैं उसमें उनके बार कोड्स को एक्सटेंड करके डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, उनके रिव्यूज एंड रेटिंग्स को देख सकते हैं, और आप प्राइजेस भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने अगर सतरंगी की ऐप डाउनलोड की हो, बोनांजा सतरंगी की, तो वहां जो क्यूआर कोड है, अगर आप उनकी फिजिकल स्टोर में उसको स्कैन करें, सो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइजेस को आप कंपेयर कर सकते हैं कि उनके ऑनलाइन स्टोर में इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्या प्राइस है और उनके फिजिकल स्टोर में या ब्रिक एंड मोटर स्टोर में उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। सो दैट्स कॉल्ड डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी। डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन द सेंस जिसमें कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को कंटिन्यूअसली मॉडिफाई कर रही होती हैं, कंटिन्यूअसली एडजस्ट कर रही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। ठीक है, देन वी हैव इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में कंपनीज डिफरेंट कंट्री फैक्टर्स को कंसिडर करती हैं इन सेटिंग प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ठीक है, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है जिस कंट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कल्चर क्या है, ठीक है, टैरिफ्स क्या है, कस्टमर की परचेजिंग पावर क्या है, इन फैक्टर्स को कंसिडर करके कंपनी अपनी प्राइसेस सेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शान फूड्स की एग्जाम्पल लें, शान फूड इज एन मल्टीनेशनल ब्रांड, बट शान फूड्स के जो प्राइसेस पाकिस्तान में है वो प्राइसेस उसकी मलेशिया में या वो प्राइसेस उसकी मिडिल ईस्ट में नहीं है, बिकॉज वो उन कंट्री के स्पेसिफिक फैक्टर्स को कंसिडर करेगा इन सेटिंग प्राइस जहां वो करंटली ऑपरेट करे, कि वहां के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वहां के सोशल फैक्टर्स क्या है, वहां के लॉज एंड रेगुलेशन क्या है। जैसे यहाँ इस स्लाइड में भी एक एग्जाम्पल गिवे है चाइनीज की, चाइनीज में, चाइना में जितने भी आपके पास, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? यस मैम, क्लियर है। तो किसने मैसेज किया ये? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइना में जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं या लग्जरी ब्रांड्स हैं, उनकी जो प्राइजेस हैं वो 50 टाइम्स हायर हैं एज कम्पेयर टू द यूरोप। व्हाई? बिकॉज चाइना में जो इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं या कंजम्पशन टैक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हम कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स को कंसिडर करके अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस सेट करते हैं। ओके, सो हियर वी डिस्कस्ड ऑल द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। हमने डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया, हमने न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की, हमने प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस। नाउ वी विल डिस्कस कि किस तरह से डिफरेंट कंपनीज प्राइस चेंज को इनिशिएट कर सकती हैं। ठीक है, ये लाइक प्राइस चेंज ऑफर कर सकती हैं और किस तरह से प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, वी विल डिस्कस किस तरह से कंपनीज प्राइस चेंज को इनिशिएट कर सकती हैं और प्राइस चेंज को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज जब भी प्राइस चेंज इनिशिएट करती हैं तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को रिड्यूस कर सकती हैं या अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज कर सकती हैं। ठीक है, सो कंपनीज के पास डिफरेंट रीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी अपनी प्रोडक्ट
कि प्राइसेस को रिड्यूस करती है, ये कट करती है। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज सबको क्लियर आ रही है या सिर्फ सना को क्लियर नहीं? अभी अभी सही है, बीच में कट गई मैम। मैमुना आवाज क्लियर है मेरी? यस मैम। आई थिंक आपके कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आप काइंडली उसको चेक करें। ठीक है, सो कंपनी अगर प्राइस चेंज इनिशिएट करती है, मींस अगर प्राइस रिड्यूस करती है, तो पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं कि कंपनी के पास एक्सेस कैपेसिटी है, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, या कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा स्टेबल हो कंपनी, और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। प्राइस कंपनी अगर प्राइस इंक्रीज करती है तो उसके पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं कि कॉस्ट इन्फ्लेशन है, जैसा आपने देखा होगा कि पैंडेमिक में बहुत सारी प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, या इंक्रीज डिमांड है, जैसे इकोनॉमिक्स का लॉ है कि जब डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, या सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिटेड है, तो इस सिचुएशन में भी प्रोडक्ट की प्राइसेस कंपनी क्या करती है, इंक्रीज कर सकती है। सो प्राइस चेंज किस तरह से इनिशिएट कर सकती हैं कंपनीज, दो ऑप्शंस में, इधर वो प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगी या प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिक्रीज कर देंगी, ठीक है, ओके। बट कंपनीज रिस्पॉन्ड किस तरह से करेंगी, फॉर एग्जाम्पल जब कंपनीज प्राइस इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं तो कस्टमर सबको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कंपनी फॉर एग्जाम्पल प्राइस इंक्रीज करती है तो कस्टमर का ये रिएक्शन हो सकता है, ईदर प्रोडक्ट इज वेरी हॉट, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम साइकोलॉजिकल प्राइसेस के अगेंस्ट अगर कंपनी उस प्रोडक्ट की प्राइसेस को इंक्रीज कर दे, बट इट्स नॉट अप्लाइकेबल इन ऑल सिचुएशन, योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट इमेज मस्ट सपोर्ट योर प्राइस इंक्रीज। इंस्टेड क्या होगा कि कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, ठीक है, और अगर कंपनी प्राइस कट करती है तो कस्टमर के डिफरेंट पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं। समटाइम्स कस्टमर क्या परसीव करते हैं कि शायद कोई क्वालिटी इशू है जिसकी वजह से कंपनी ने प्रोडक्ट की प्राइसेस डिक्रीज कर दी हैं, हो सकता है कि उनके मॉडल सेल नहीं हो रहे, ठीक है, या न्यू मॉडल अब अवेलेबल है तो ओल्ड मॉडल की प्राइसेस डिक्रीज हो गए। सो यहाँ पे तो कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक रिएक्शन गिवन है, बट बहुत सारे पॉसिबल रिएक्शन हो सकते हैं। बट अगर कंपेटिटर्स प्राइस चेंज इनिशिएट करते हैं, लाइक ईदर वो प्राइस रिड्यूस करते हैं या प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो कंपनीज का क्या रिस्पॉन्स होता है ये मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज योर सेल्फ एज एन एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन और आपके कंपेटिटर्स ने प्राइस चेंज कर दी, तो आप ऑफकोर्स उसको कंसिडर करेंगे इन सेटिंग योर ओन प्राइजेस, तो आपका रिएक्शन क्या होगा, व्हाई डिड द कंपेटिटर चेंज द प्राइस, आप सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, देन इज द प्राइस कट इज परमानेंट और टेम्पररी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्रोमोशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी में कंपनीज अपनी प्राइजेस को टेम्पररली रिड्यूस करती है। देन यू वुड हैव मल्टीपल क्वेश्चंस लाइक इज द कंपनी ट्राइंग टू ग्रैब द मार्केट शेयर or is the company doing poorly or trying to increase sales, so there would be multiple questions in your mind as an established company, but you will always respond to the price change of your competitor. aap customer ke aap apne competitor ke price change ko consider bhi karenge aur usko respond bhi karenge, respond in the sense like look at the figure very very carefully, ठीक है, अब क्लियर है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सो दिस फिगर बेसिकली शोज हाउ द कंपनी असेस एंड रिस्पॉन्ड टू कंपेटिटर्स प्राइस चेंज, किस तरह से वो कंपेटिटर्स की प्राइस चेंज को असेस करेगी और उसको रिस्पॉन्ड करेगी। ये फिगर क्लियर है, काइंडली मुझे बताइए। Yes, miss. Okay. ठीक है. So what is the first step? Has competitor cut price? Look at the cursor. ठीक है. Has competitor cut price? If the answer is no, then
कंपनी विल होल्ड इट्स करंट प्राइसेस. कंपनी अपनी प्राइसेस को चेंज नहीं करेंगी और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगी कंपेटिटर्स की प्राइस को. बट हैज कंपेटिटर चेंज प्राइस? इफ द आंसर इज यस, तो कंपनी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? Will lower price negatively affect market share and profits? Like company ने जो अपनी prices को reduce किया है वो हमारी company के profits पे और market share पे क्या negatively affect हो रहे हैं? जरूरी नहीं है कि अगर कोई competitor price reduce करता है तो company भी foreign response में अपनी price को drop कर दे. No, पहले company